हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है और आज हम बात कर रहे हैं सैमसंग J200G के बारे में कि आप सैमसंग J200G का जो FRP अनलॉक कैसे करेंगे सैमसंग प्रो Z3 एक्सबॉक्स से। और दोस्तों, कई दोस्तों का कमेंट्स आ रहा है कि आप FRP अनलॉक करके दिखाते हैं तो आपका हो जाता है और हम उसी बॉक्स से FRP अनलॉक करते हैं तो हमारा नहीं होता, आखिर कारण क्या है, राज क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारी की सारी बातें आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर FRP अनलॉक करने का जो कारण है वो आखिर क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। और अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो सैमसंग प्रो जो बॉक्स है Z3X बॉक्स, जो नया बॉक्स है लेटेस्ट बॉक्स, इस बॉक्स को आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जिस मोबाइल को भी अगर आप अनलॉक करना चाहेंगे, उसका FRP अनलॉक करना चाहेंगे तो उसका मॉडल पहले आप सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे हमने डाउनलोड पर क्लिक किया तो यहाँ पे जिस मॉडल को हमने सेलेक्ट किया है उस मॉडल का जो है सारा का सारा फाइल यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे फ्लैश फाइल है, इसका जो है FRP फाइल है। तो सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन फाइल, तो ये कॉम्बिनेशन फाइल आपको इसको डाउनलोड करना होगा। तो इसको जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो इसको आपको अपने कंप्यूटर में कहीं किसी ड्राइव में आपको सेव कर लेना है इस फाइल को। और दोस्तों, ये जो फाइल डाउनलोड हो रहा है इस फाइल को कंप्लीट 100% डाउनलोड होने के लिए देना है, क्योंकि अगर ये फाइल अगर जरा सा भी मिस होगा तो आप इसका जो FRP अनलॉक नहीं कर पाएंगे किसी भी मॉडल का। मान के चलिए सैमसंग J7 किसी भी मॉडल को अगर आप मतलब उसका FRP अनलॉक करना चाहें तो ये तरीका जो आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल सेम यही तरीका, इसी तरीके से आप किसी भी मोबाइल का जो है सैमसंग का FRP अनलॉक कर सकते हैं उसका कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करके। उसके बाद PDF पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें कॉम्बिनेशन फाइल हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो हमने अभी डाउनलोड किया है। उसके बाद अपने सैमसंग मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर लाना है और USB डाटा केबल लगा के अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद इस रिबूट फ्लैश पर हमें क्लिक करना है, और ताकि हमारा मोबाइल जो है इस टूल से बिल्कुल बूट करे। और जैसे बूट करेगा तो यहाँ ओके लिखेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन फाइल को हमें जो है इस मोबाइल में फ्लैश कर देना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि जैसे आप कॉम्बिनेशन फाइल को फ्लैश करेंगे तो कम्प्लीटली फ्लैश होनी चाहिए यहाँ पर, अगर ये फ्लैश एरर लिखेगा तो आपका जो है FRP अनलॉक नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये फ्लैशिंग कम्प्लीट होनी चाहिए। अगर आपका एरर लिख रहा है तो आप जो कॉम्बिनेशन फाइल सेलेक्ट किए तो वहाँ पर दो तरह का फाइल होता है, आप दूसरे वाले फाइल को भी सिलेक्ट करके ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो कॉम्बिनेशन फाइल हमने जो सेलेक्ट करके फ्लैशिंग किया तो फ्लैशिंग हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। अब हमें अनलॉक पर जाना है, उसके बाद हमें रीसेट FRP पर क्लिक करना है और हमारा फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली जो है FRP अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा जो FRP अनलॉक हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।